नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वे ऑफ करियर में। तो दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि मेरे चैनल पर आपको सबसे पहले जो भर्ती कोई भी निकलती है उसका लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको बहुत पहले मिल जाता है। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना, आज फिर आपके लिए एक भर्ती में बहुत ही अच्छा मौका लेके आए हैं, जो कि बिना एग्ज़ाम आपको सीधा सिलेक्शन इंटरव्यू बेस पे सीधा सिलेक्शन आपको दिलवाने वाली है। तो दोस्तों, साउथर्न रेलवे पैरामेडिकल स्टाफ में भर्ती 2021 का नोटिफिकेशन जो आउट हो चुका है, ऑनलाइन फॉर्म है इसके दोस्तों। तो आप क्या क्या नोटिफिक क्या क्या इसमें आपके क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, पूरी डिटेल हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, और कब इसकी लास्ट डेट दे रखी है पूरी डिटेल हम आपको बताने वाले हैं। तो जो रेलवे में मैंने बताया, साउथ रेलवे ने पैरामेडिकल स्टाफ के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुकी है और अंतिम तिथि इसकी 30 अप्रैल दोस्तों रहने वाली है। भारतीय रेलवे ने पैरामेडिकल स्टाफ 193 पदों पर दोस्तों ये भर्ती होने वाली है, ठीक है। उसके बाद में अन्य अलग अलग पदों पर अलग अलग जो आपकी योग्यता है वो रखी गई है। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, किस पोस्ट पर कितने जो आपके पद होने वाले हैं। तो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए 83 पद हैं, और इसके लिए एक पोस्ट है, और ECG टेक्नीशियन के लिए 4 पोस्ट हैं, और हेमोडायलिसिस टेक्नीशियन के लिए 3 पोस्ट है, हॉस्पिटल असिस्टेंट के लिए 48 पोस्ट हैं। और अलग अलग पोस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग पोस्ट आपके यहाँ पे दे रखी है। उसके बाद में दोस्तों बात करने वाले हैं अपन कि इसमें एज क्राइटेरिया क्या दे रखा है। तो आपकी आयु जो है 18 से 40 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। 18 से 40 के बीच में आपकी आयु सीमा रखी गई है। अब देखिए, यहाँ पर मैंने बताया था शैक्षणिक योग्यता है जो अलग अलग पदों के लिए अलग अलग रखी गई है। हॉस्पिटल असिस्टेंट के लिए आपको केवल 10वीं पास होना अनिवार्य है। हाउस कीपिंग असिस्टेंट के लिए आपको 10वीं पास होना अनिवार्य है। उसके बाद में बात करेंगे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए, जनरल नर्सिंग का जो आपका कोर्स होता है वो आपको चाहिए, और मिड वेरीफाई BSc नर्सिंग। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फिजियोथेरेपिस्ट है उसके लिए डिग्री चाहिए आपको फिजियोथेरेपी की। ECG टेक्नीशियन के लिए 10+2 डिप्लोमा या फिर कोई डिग्री हो आपके पास वो चलेगा। कार्डियोलॉजी के लिए कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन के लिए, ठीक है, आपको ये अलग अलग मैंने बताया था आपको कोर्स इसमें चाहिए होगी, ठीक है। उसके बाद में आपका आता है जो हेमोडायलिसिस टेक्नीशियन के लिए, उसके लिए भी आपको BSc विद रिवेलेंट एक्सपीरियंस के साथ या फिर हेमोडायलिसिस का डिप्लोमा हो आपके पास। उसके बाद में 9 नंबर पे आता है आपका लैब असिस्टेंट GR सेकेंड 10+2 साइंस के साथ होना चाहिए आपका, या फिर DMLT या CMLT का आपके पास कोर्स होना चाहिए। एक रेडियोग्राफर की है, उसके बाद में 10+2 इसमें मांगी गई है। फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ आपके पास डिप्लोमा हो रेडियोग्राफी का, एक्सरे टेक्नीशियन का, या रेडियो जो डायग्नोसिस टेक्नोलॉजी है उसका। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें सीधा इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन है, ना इसमें कोई एग्ज़ाम है ना कोई फिजिकल है, केवल इंटरव्यू बेस पे सीधा सिलेक्शन आपका इसमें होने वाला है। फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों, लास्ट डेट मैंने आपको बताया था 30 अप्रैल रहने वाली है। अब मैं आपको इस वीडियो में जो लेटेस्ट जो इसका नोटिफिकेशन है ऑफिशियल, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। उससे पहले आप वीडियो अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ये जो है दोस्तों इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है। ये आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे भी मैं आपको ये प्रोवाइड करवा दूँगा, और डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक, प्लस में आपको हमारे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर भी हमको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ये आप पूरा आराम से अपने मोबाइल में यहाँ से डाउनलोड करके टेलीग्राम चैनल से, और फिर आप आराम से इसको कंप्लीट को पढ़ सकते हो केयरफुली। वैसे बेसिकली ज़्यादातर डिटेल मैंने आपको वीडियो में दे दी है, फिर भी अगर आपको कोई कमी लगती है तो आप मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, और ये आपको मिल जाएगा वहाँ पे, या फिर आप इंस्टाग्राम पे मेरे से बात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता ही है।